मेरी खुशी और गम से किसी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे, साजना साजना। मुझे मालूम है तुम्हारे सब दोस्तों को, उन सब लोगों को जिनके साथ तुम काम करते हो, सबको फर्क पड़ता है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि सिद्ध तुम्हारी कितनी केयर करता है? और रिद्धिमा, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी है मैंने। चिंता करती है वो तुम्हारी। किसने कहा कि मैं आगे नहीं पढ़ा? मुझे लगा तू अपनी लाइफ में बहुत बिजी। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता। अरमान ठीक नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा जिससे अरमान फिर से अपनी लाइफ पर फोकस करने लग जाए। उसने आगे पढ़ने का वादा तो कर लिया, पर मैं जानती हूं उससे कुछ नहीं होगा। उन दोनों को फिक्र है तुम्हारी, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। और भी लोग हैं, तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे जूनियर्स। साजना साजना, जो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे साथ बेकार की बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास, और तुम जानती कितना मुझे, जो मुझे खुशी और गम के लेक्चर्स दे रही हो। चली जाओ यहां से। पानी तो पी लो। मैंने कहा चली जाओ यहां से। चली तो जाऊंगी, इतना जरूर जानती हूं, ये सब करके तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। बस यही कहना चाहती थी तुम्हें।
बर्बाद। शायद यही चाहता हूं। मैं डिसिप्लिनेरियन हूं, इसलिए मैं अपने डॉक्टर्स का कुछ फायदा तो उठा ही सकता हूं ना, एक फेवर के बदले। सिर्फ मैं तुम आज शाम को क्या कर रही हो? मैं सोच रहा था कि हम मूवी देखने जा सकते हैं, उसके बाद डिनर के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी चीटिंग करके तुम्हें ऐसी ड्यूटी दे देता हूँ जिससे तुम्हारा हाफ डे हो, फिर तुम और मैं साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ प्लीज मेरी ड्यूटी रीअसाइन कर दो। तुम्हें सच में मुझसे फेवर चाहिए? सिर्फ मैं मजाक नहीं करी, प्लीज सीरियसली प्लीज। क्या हुआ, तुम इतनी स्ट्रेस्ड आउट क्यों लग रही हो? अरमान, अरमान ठीक नहीं है। मैंने उससे बात की लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका कुछ फायदा नहीं होगा। वो बस अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा है। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ मैं समझता हूँ। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ अरमान बहुत वियर्डली बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। प्लीज मेरी ड्यूटी अरमान के साथ रीअसाइन कर दो। जानते हो ना वो कैसा है, किसी की बात नहीं सुनेगा, और उसे समझाना मतलब उसे बार बार बात करनी होगी ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उसकी खुशी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। और इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अगर अरमान को कोई आगे बढ़ने के लिए मना सकता है तो वो सिर्फ तुम और इतना। यू नो, तुम्हें उस दिन कहा था अरमान को हमारी जरूरत है, हमारी मदद की, उसकी जिंदगी के लिए, उसकी खुशी के लिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें। सिर, तुम जो फेवर के रिटर्न्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, चली जाए इनसे। साजना, thank you.
गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैंने आप सबको आज की ड्यूटीज के लिए बुलाया. नर्स जी की, आप नर्स वार्ड में जाइए. डॉक्टर शिल्पा, आप मेरे साथ आईसीयू में होंगी. डॉक्टर जेपी, बहुत लकी हैं, आज आप दो डॉक्टर्स को असिस्ट करेंगे, डॉक्टर अरमान और डॉक्टर सिद्धमा, जनरल वार्ड में. डॉक्टर सिद्धांत, जनरल वार्ड में दो सीनियर डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? डॉक्टर अरमान, वो मेरा काम है. और वैसे भी जनरल वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो वहां एक नहीं दो सीनियर डॉक्टर्स की जरूरत होती है. तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो? डॉक्टर अरमान, ये मेरा काम है और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं. लेकिन मुझे मेरी ड्यूटी अकेली करनी, और अगर इसके लिए मुझे डॉक्टर शशांक से बात करनी पड़ी तो मैं करूंगा. तुम डॉक्टर शशांक के बाद इतनी छोटी बात लेकर क्यों जाओगे? क्योंकि मैं डॉक्टर शशांक को जानता हूं और वो मेरी बात समझेंगे और वो मुझे मेरी ड्यूटी अकेले करने देंगे. और शायद तुम्हें बुलाकर पूछेंगे कि तुमने मेरी ड्यूटी किसी और के साथ क्यों रखी. डॉक्टर मान, मुझे आपके साथ काम करना है. क्या आपको कोई प्रॉब्लम? प्लीज भगवान, आप ही सब ठीक कर सकते हो. प्रतिमा को अपने से दूर, मैं जानता हूं कि कुछ नहीं होगा, पर फिर भी रिद्धिमा और अरमान की नजदीकियां, पर मैं सच में चाहता हूं कि सारी चीजें, सारे इश्यूज जल्दी से सॉल्व हो जाएं. एनीवे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी हेल्प करने की. बस आप मेरा साथ देना. मैंने इनके लिए कुछ टेस्ट लिख दिए हैं. इनके रिपोर्ट्स आने के बाद फिर हम देखेंगे कि इन्हें सर्जरी की जरूरत है या नहीं. यस मैम. डॉक्टर जी भी रुकिए, मैंने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है और इनकी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी से हो सकती है, तो आप प्लीज सर्जरी की तैयारी कीजिए. थैंक यू. एक मिनट डॉक्टर जी भी. मेरे ख्याल से हमें इनकी टेस्ट वापस करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कंडीशन पहले से काफी बेटर लग रही. हो सकता है कि टेस्ट के रिपोर्ट्स में इनके हेल्थ की प्रोग्रेस दिखाई दे, इसलिए डॉक्टर जेपी, आप प्लीज जाकर टेस्ट की तैयारी कीजिए. डॉक्टर जेपी रुकिए. डॉक्टर इंदमा, मुझे लगता है कि आपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी नहीं. इनके पेट पे जो सिस्ट है वो काफी बड़ा है, वो मेडिकेशन के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो सिर्फ सर्जरी से क्योर हो सकता है. तो अगर आप डॉक्टर जेपी को टेस्ट के लिए भेज रही हैं, तो आप डॉक्टर जेपी का, पेशेंट का और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं. सो प्लीज सर्जरी की तैयारी कीजिए. थैंक यू डॉक्टर अरमान. मैंने क्या कह रही थी? नहीं, इट्स ओके. डॉक्टर जेपी, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए. डॉक्टर जेपी, एक मिनट. व्हाट? क्या? अब क्या हुआ? क्या तुम कुछ कह रही थी? तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि
मैंने तुम्हारी बात मान ली। डॉक्टर जेपी आप जाकर सर्जरी की तैयारी। डॉक्टर जेपी रुकिए, मैं सर्जरी या टेस्ट की बात नहीं कर रहा। तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? तुमने इतनी आसानी से मेरी बात कैसे मानी? हाँ तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, इससे यही प्रूफ होता है ना कि तुम सही हो। मेरे दिमाग इससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी सारी बातें मनवाने वाली डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता, डॉक्टर रिद्धिमा मोदी, रिद्धिमा मोदी, रिद्धिमा मोदी, जिसे अपनी बात मनवाने की इतनी आदत हो, चाहे उसे अपनी बात मनवाने के लिए पूरा हॉस्पिटल सर पे क्यों ना उठाना पड़े, वो इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। क्यों? क्योंकि तुम चाहती कि मुझे लगे कि मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल है। सो इनफैक्ट कुछ भी नॉर्मल नहीं। मैंने तुम्हारी बात इसलिए मानी क्योंकि मुझे लगा तुम प्लीज। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। डॉक्टर जेपी प्लीज पेशेंट के टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर रिद्धिमा को पहले दिखाइए जी, और उसके बाद सर्जरी की तैयारी कीजिए जी। थैंक यू। अरमान को इतना परेशान नहीं देख सकता मैं। रिद्धिमा कब तक सहारा देगी उसे? मुझे ही कुछ करना होगा।